सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे सामने खड़ी है न्यू मारुति स्विफ्ट ZXi प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ प्रोजेक्टर लैंप मिला हुआ है, प्रोजेक्टर है यहाँ, देख सकते हो यहाँ इंडिकेटर है अपना। और DRLs को देखोगे तो DRLs इतनी धूप में भी चमक रहे हैं प्रॉपर। अगर आप दूर से देखोगे तो देखो, दूर से अगर देखोगे तो DRLs फुल चमक रहे हैं इसके, तो पता चल रहा है कि हाँ भाई DRLs लगे हुए हैं। और अपने जो आगे का जो फ्रंट लाइट है कुछ इस टाइप का शेप दिया हुआ है, और फॉग लैंप यहाँ मिला हुआ है अपने को, और यहाँ क्रोम गार्निश दे रखी है मारुति का लोगो, और यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है, नीचे फॉग लैंप है, और अलॉय व्हील कुछ हमें इस तरीके के मिलते हैं जो कि काफ़ी सेगमेंट में काफ़ी प्यारे लगते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आगे डिस्क ब्रेक दिख रहा है, इसका टायर साइज है 185/65R15, तो ये है टायर साइज। और गाड़ी की कुछ साइड लुक इस तरीके की है, साइड लुक में क्या है, पूरी रेड गाड़ी है, ऊपर से ब्लैक ऊपर से रूफ कर रखी है, और ORVM भी ब्लैक है, जिसके साथ इंडिकेटर भी है साथ में, देख सकते हो। और डुअल टोन ऑप्शन में है, बॉडी कलर हैंडल मिलते हैं, और आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी, मतलब क्या कहते हैं इसको, इसको खोलते हैं जो, मतलब जो भी आप समझ जाओ, जो भी है मेरे को याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो। और बाकी पीछे वाला डोर इधर नहीं है अपने को, यहाँ अपना ऊपर दिया हुआ है, तो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का है। और पीछे कुछ DRLs इस तरीके की चलती है, यहाँ LED अपनी दे रखी है, यहाँ रिवर्स लाइट, इंडिकेटर, कुछ स्विफ्ट का लोगो है, स्विफ्ट लिखा हुआ है, बैजिंग दे रखी है सुजुकी, और पीछे वाइपर है, और टॉप मॉडल है तो डी फॉगर भी है इसके अंदर, और वॉशर वोरा, एंटीना वोरा अपना, और ये रहा अलॉय व्हील अपना, काफ़ी प्यारा और प्रीमियम अलॉय व्हील है, फ्यूल टैंक। और सबसे बढ़िया मारुति की सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ें मेरे को अच्छी लगती है कि दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है, दोनों साइड, मतलब कीलेस एंट्री के लिए, कीलेस एंट्री कहते हैं इसे, कीलेस एंट्री के लिए दोनों तरफ दे रखा है, तो भाई चाहे किया हो चाहे कौन सी भी गाड़ी हो, कोई सा भी किसी में भी नहीं आता ऐसा, तो भाई हेडसअप है। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी की से, तो भाई गाड़ी एकदम मतलब वो वाली है, बिना मतलब कीलेस है, एंट्री वाली है, तो इसमें सिर्फ दो बटन मिलते हैं, लॉक अनलॉक, तो यही मिलता है, और गाड़ी का मतलब छोटी सी कॉम्पैक्ट सी चाबी है, काफ़ी प्रीमियम चाबी है, देख सकते हैं। और पीछे ब्लू डाउट है, और मतलब इसमें ब्लू ब्लू कलर के कलरिंग है, और बीच में लोगो है, तो काफ़ी प्रीमियम लोगो है, मतलब अच्छा है, मतलब चाबी बहुत बढ़िया बनाई है। तो भाई इसको लॉक करते हैं, और इसको रखता हूँ जेब में, और गाड़ी को ऑन करते हैं ऐसे, ये लॉक हो गई, अनलॉक हो गई, और इसमें बैठते हैं, और फुल आपको इसकी फीचर के बारे में बताता हूँ। तो ये कुछ प्रीमियम इंटीरियर दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, तो ये कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पहले इस पर नहीं आते, पहले इधर देखा देखते हैं। तो भाई ये है अपने सारे विंडोज़ के कंट्रोल, ये अनलॉक लॉक, और ये ORVMs के कंट्रोल है, ये ORVMs के कंट्रोल है, अब ये देख सकते हो, ये राइट और लेफ्ट, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इससे ये अनफोल्ड हो जाते हैं और फोल्ड हो जाते हैं, जैसे ये अनफोल्ड कर दिया, ये है। और यह ट्रैक्शन का दिया हुआ है, ट्रैक्शन का है, पता नहीं किसका है, मैं एक बार बताऊंगा आपको। और ये सारे AC वेंट्स हैं, और स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल ये है, ये आपको कॉल काटना है और हटाना है, और इससे आप बोल भी सकते हो अपने जो भी बातें करनी है, और इसमें म्यूट करने का ऑप्शन है, और इसमें ये सारा इसका जो भी इंफोटेनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन ये सब है। और यहाँ अपना क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है, क्रूज़ कंट्रोल आप सेट कर सकते हो किसी भी पे भी, और अपना आगे दिया हुआ है मीटर, तो मीटर देख सकते हो भाई, ये 8000 तक RPM तक जाता है, और सारी वार्निंग यहाँ शो कर रही है, आप देख सकते हो सारी वार्निंग शो कर रही है, 220 तक इसका पूरा स्पीडोमीटर जा रखा है, और यहाँ से आप ये सब देख सकते हो, जैसे ये किया ड्राइविंग टाइम। तो भाई ये कुछ हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ है लिखा हुआ है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, आप जैसे आप अपना फ़ोन कनेक्ट भी कर सकते हैं, बैक कर दिया, इस पर सेटिंग्स में गए, ये मतलब मेन है अपना, ये सारा इसमें सारी चीज़ें डिटेल दे रखी है, इसमें डिस्प्ले टाइम, व्हीकल अलर्ट, ये सब दिखा रखा है, और
ये अपना कुछ इस तरीके का मतलब इंटरफेस है, इंटरफेस। और ये एसी वेंट्स हैं, एसी वेंट भाई बहुत गर्मी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। ये एसी वेंट है और ये हैजार्ड लाइट है, ये अपनी देख सकते हो हैजार्ड लाइट जल गई है। और ये कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन दे रखी है मतलब अपने डिजिटल मीटर के अंदर। तो भाई ये छोटा सा पोर्शन इसमें डिजिटल मीटर का है, और ये अपना आरपीएम, और ये अपना स्पीडोमीटर है। तो इसमें अगर हम देखें, ये अपना टाइमिंग दिखा रखा है, और इसमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इकोनॉमी भाई क्या हो रहा है मेरे को गर्मी की वजह से, किलोमीटर पर लीटर दे रखा है इसमें एवरेज अभी फिलहाल दे रखा है, और 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है ड्राइविंग टाइम। यही सब कुछ इसमें डिटेल दे रखी है, टाइमिंग वगैरह। और कुछ रेव करने पे ये है, और ये देख सकते हो, और मैनुअल है ये। और ये कुछ यहाँ अपना स्पेस दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छी कुशनिंग दे रखी है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, बकेट सीट टाइप है, और फुल कोई दिक्कत नहीं है इधर। और अगर ये देखें ग्लव बॉक्स, तो ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी स्पेस है। और यहाँ थोड़ी सी मैट सिल्वर फिनिश दे रखी है, और ये काफ़ी प्रीमियम टाइप है। और यहाँ ऑटोमेटिक एसी दे रखा है, जो कि मैंने अभी चला रखा है। और यहाँ 12 वाट का हमें चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ अपना जो यूएसबी सॉकेट है वो दे रखा है, यूएसबी और ऑक्स के लिए। और यहाँ अपना क्रूज कंट्रोल दे रखा है, और यहाँ अपना मीडिया से मतलब जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। तो ये कंट्रोल करने के लिए है, ये म्यूट करने के लिए है, म्यूट कर लेते हैं, और म्यूट यार म्यूट कर दिया। और यहाँ अपने जो टिपिकल जो सुजुकी यहीं देती है अपना ज़्यादातर, तो ये सब है कॉल वगैरह रिसीव करने के लिए, कॉल वगैरह रिसीव करने के लिए। और कुछ इस तरीके का आता है, और इसमें पुश बटन स्टार्ट है, क्योंकि टॉप मॉडल है और टॉप से बिल्कुल ऊपर है, बस ये मैनुअल है, वो ऑटोमेटिक भी आती है। तो ये चीज़ है, और बाकी वो सिल्वर गार्निश दे रखी है, ये लॉक अनलॉक का है, या ओआरवीएम के कंट्रोल। और ये ऊपर का ये स्पीकर्स मतलब माइक है ये, जिससे हम मतलब जब कॉलिंग आती है तो उससे हम बात कर सकते हैं। तो ये अपना ऑन हो गया, ये डोर खोलते हैं जब ऑन होता है, और ये हैलोजन में दे रखा है, और ये ऑफ कर देते हैं। तो कुछ ये अपना सारा डैशबोर्ड की लुक हो गई, और अब चलते हैं। और यहाँ भी कुछ स्पेस दे रखा है, और यहाँ आप अपना फ़ोन रख सकते हो। तो हम चलते हैं पीछे, तो भाई पीछे जाने के लिए ये खुलता है, इससे खुलते हैं। अरे इससे खुलेगा यार, हाँ पहले अनलॉक कर दो गाड़ी को, फिर ये खुलेगा। तो पीछे का स्पेस कुछ इस तरीके का है, पहले मैं अपने तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे को। तो अपने तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं पहले इसको। और यहाँ वार्निंग भी शो होती है, जैसे मैंने दरवाजा खोल दिया, ये वार्निंग फुल स्विफ्ट बनी आती है। तो भाई बहुत अच्छा चीज़ है, ये मैंने अपने तरीके से सेट कर दिया है फुल। तो अभी चलते हैं बाहर। चारों डोर पे काफ़ी प्रीमियम साउंड वाले स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, चारों डोर पे, यहाँ भी और यहाँ भी और इधर भी लगे हुए हैं। और काफ़ी भाई, और देखे जाए तो एडजस्टेबल भी है, ये देखो ये है एडजस्टेबल, आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से फुल। और डी कट है, डी कट, और काफ़ी स्मूथ है, ये देखो ना, एक उंगली से मैं मोड़ सकता हूँ इसको, इतना प्रीमियम है। और काफ़ी ही अच्छा इसमें मतलब स्पेस मिलता है, काफ़ी प्रीमियम है। अगर किसी को 9 लाख 9.5 लाख के अंडर में अगर कोई गाड़ी चाहिए, और बिल्कुल उसको चाहता है कि मेरे को टॉप मॉडल चाहिए और लुक भी अच्छी हो, तो भाई स्विफ्ट ZXi प्लस से बेहतर कोई गाड़ी नहीं है। तो कुछ डिटेल बता देता हूँ, इसकी डिटेल क्या क्या है। इसकी डिटेल में अगर लेंथ देखें तो 3645 लेंथ है, और विड्थ देखें तो 1735 mm है, और व्हील बेस देखें तो 2450 व्हील बेस है। ये सिर्फ पेट्रोल में मिलती है, सीएनजी इसमें इसमें ऑप्शन नहीं आता। एक और इसका वेरिएंट आता है, उसमें सीएनजी का भी ऑप्शन आता है, तो उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और फ्यूल टैंक देखा जाए तो 37 लीटर का है, तो काफ़ी भाई अच्छा है, क्योंकि गाड़ी यार एवरेज भी अच्छी। 2 ट्यूटर हैं इसमें, 4 स्पीकर के साथ 2 ट्यूटर दिए हुए हैं। और भाई अगर इसकी एक्स शोरूम की बात की जाए, एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात की जाए, तो 850,000
इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है, और ऑन रोड अगर देखा जाए तो 9,61,051 रुपये। तो इसका मतलब ऑन रोड प्राइसिंग है स्विफ्ट ZXI प्लस BS6 मॉडल है, और काफ़ी ही भाई प्रीमियम है। AC भी इसका अच्छा है भाई, मैंने भी टेस्ट कर लिया, इतनी गर्मी में बड़ी जल्दी चिल्ड कर दिया। काफ़ी स्मार्ट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम तेज चला रहा है, AC चल रहा है तेज। और यहाँ अपने कुछ अपने कंट्रोल दे रखे हैं वाइपर से रिलेटेड, और ऑफ और लो इसमें रेयर का है, रेयर वाइपर का है, रेयर अगर करेंगे तो रेयर चलने लग जाएगा। और ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके के। कुछ इधर हेडलाइट्स के कंट्रोल है, इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, और इतने हाई और लो बीम का भी है, और इंडिकेटर्स के ये है, ये इंडिकेटर्स का वगैरह। और यहाँ अपना लाइट एडजस्ट कर सकते हो आप सामने की, और कुछ इस तरीके का बूट स्पेस से सारा चीज़ आपको दिखाई दिया है। तो यही कुछ था, और इसका कुछ इस तरीके का स्पेस मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। मेरी 5.7 है, और 5.7 के हिसाब से मैंने सेट कर रखा है। तो ये देख लो भाई, फुल अच्छा स्पेस है, काफ़ी मतलब कंफर्टेबल यार, इतनी है ना स्विफ्ट, और भाई बहुत प्रीमियम है। और देख लो मेरे हेड रूम देख लो कितना अच्छा है, बहुत प्यारा हेड रूम है, और गाड़ी बहुत प्यारी है यार। समझ में आता है कि यार ऐसा लगता है कि मतलब ऐसी गाड़ी में बैठे हैं कि मतलब बहुत प्रीमियम है। अब ये देखो, ये अपना बास्केट दे रखी है, और इसमें 5 बंदे आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर। और पीछे से लुक कुछ इस तरीके की आती है डैशबोर्ड की, ये देखो, और ऊपर ये रहा अपना हेड, तो जो छत होती है गाड़ी की, और ये सीट बेल्ट है। और अब चलते बूट देखते हैं इसका कितने का है स्पेस। तो बूट के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, तो कुछ इस तरीके का बूट स्पेस मिलता है। और ये ट्रे है अपने पास ये, और कुछ इस तरीके का बूट स्पेस है, काफ़ी डीप है। तो भाई बहुत अच्छा बूट स्पेस भी मिलता है इसमें, और बूट स्पेस इसमें मिलता है 268 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है एज हैचबैक के अगर उससे देखें नज़रिए से कि भाई हैचबैक गाड़ी है, और इसमें भी बूट स्पेस अच्छा मिल रहा है। और इसमें भी रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है ये देखो, और ये पावर टेल गेट है, और इसको बंद कर लिया, और ये चीज़ कुछ रियल लुक है इसकी। तो भाई और काफ़ी अच्छा है, जैसे और गाड़ियों में देखते हैं कि ये कम खुलता है, तो स्विफ्ट में काफ़ी अच्छा हाइट पे खुल जाता है। तो इसको नीचे कर देते हैं, और डुअल टोन ऑप्शन में मिलती है गाड़ी, और फुल। अब ORVM कैसे खुलते हैं, ORVM अनलॉक पे नहीं खुलते, ORVM जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो तब खुलते हैं, लेकिन ये काफ़ी सेफ्टी वाला मतलब फ़ीचर है। जैसे मान लो कहीं आपने अनलॉक की और गाड़ी को बस खोलना ही है, और कहीं टाइट पार्किंग में लिए, तो ORVM अगर खुलते हैं अगर कहीं टाइट पार्किंग में, तो टूटे उटे ना, तो इस सेफ्टी वाइज से काफ़ी अच्छा है। विंडशील्ड एरी, और कुछ इस तरीके की दूर से लुक आती है गाड़ी की, कुछ इस तरीके की गाड़ी लुक देती है, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, आपको देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और डुअल टोन के ऑप्शन से तो भाई काफ़ी अच्छी लगती है, अगर जो भी भाई मिनी कूपर का शौक रखता है तो भाई सस्ती मिनी कूपर ये देख लो, मिनी कूपर अगर लिटरली अगर देखोगे कंपेयर करोगे तो मिनी कूपर है। को बंद कर लिया, और ये चीज़ कुछ रियल लुक है इसकी। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को जरूर दबा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।